ग्रीटिंग्स। सो वंस अगेन आईम योर लैंग्वेज ट्रेनर डॉक्टर आदित्य प्रसाद सामी राइट हियर और हम लोग आज़र हो चुके हैं वो कैब के अपने एक नए सेट को लेकर। एक्चुअली कुछ नए स्कूल्स के बच्चे जो हमारे साथ में अभी जुड़े हैं, तो दे नीड टू टेक केयर ऑफ़ लर्निंग वो कैब। सो ऑल द सेम आईम जस चाहे आप लोग फर्स्ट ट्वेल्थ किसी भी क्लास में पढ़ते हैं या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपके लिए बड़ी जरूरी है क्या आप वो कैब हमारी स्पोकन इंग्लिश की जो लेटेस्ट बुक है वो यहां पर है इस तरीके से हमारी लेटेस्ट बुक आ गई है और ये बुक है आपको सिर्फ दो ही जगह से मिलेगी बोस्ट पहला इंग्लिश जोन के हेड ऑफिस से दूसरा आपके अपने स्कूल से किसी भी तीसरी जगह पर आपको ये बुक नहीं मिलेगी तो बुक लेने से पहले इस नंबर पर ऑफिशियली आप कंफर्म कर लीजिएगा कि ये बुक इंग्लिश जोन की है या नहीं तो आएगा रुक करते हैं स्क्रीन का so, uh, right और ये है क्या conquer? तो कॉन्कर वर्ड को हम लोगों ने किससे याद किया था और इसके फोर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू द राइट आंसर ए बी सी और डी फटाफट एक बार जवाब लगा लीजिएगा उसके बाद में हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे चारों ही वर्ड्स का चलेगा कौन कर वर्ड को हम लोगों ने याद किया था कौन और कर किसने क्या भाई किसने इतने सारे कर लगाकर सारे राज्य को अपने अधीन कर लिया है जीत लिया है तो भाई फोर ऑप्शन डिलीजेंट अफेयरेंट सनमाउंट या खजोल फटाफट बताइएगा कि कौन से वाला जवाब बिल्कुल सही जवाब है फटाफट बताइएगा आई होप सो कि आपने अभी तक जवाब लगा लिया होगा कमेंट सेक्शन में जाइएगा और फटाफट लिखिएगा इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक इट श्योर यू सब्सक्राइब टू चैनल एंड जी बिल्कुल छुलेगा डिलीजेंट हमारा पहला वर्ड है डिलीजेंट और डिलीजेंट वर्ड हम लोगों ने दिल्ली के एजेंट से याद किया था दिल्ली के जितने भी एजेंट्स हैं क्या भाई दिल्ली के जितने भी एजेंट्स हैं सारे के सारे क्या है भाई प्रिशर्मी है क्या है हार्ड वॉकिंग है बिल्कुल जोन वाले ही, आज तो बड़ा ख्याल रखना मेरा क्या बात है Thank you जी चलेगा है अपेरेंट वर्ड हम लोगों ने याद किया आपके और पेवेंट्स आपके पेवेंट्स हमेशा स्पष्ट बात कहते हैं क्या कहते हैं भाई स्पष्ट बात स्पष्ट को लेकर एक और वर्ड था कॉन्स्पीक्यूस कॉन्सेप्ट पक्का हो तभी आप चीजों को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे अरे बोले ना हाँ जय तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सारे और माउंट से हम लोगों ने याद किया था सारे माउंट के ऊपर क्या भाई सारे माउंट के ऊपर चढ़ करके उसने इनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है तो अकॉर्डिंग टू मी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब आ गया भाई डी है कजोल और जोल वर्ड को हम लोगों ने याद किया था जी काजोल से किससे याद किया था काजोल आप हीरोइन काजोलू से कर रहे हैं क्या कर रहे हैं चापलू से करना हमारे कह काजोल तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया है कमेंट सेक्शन में जाइएगा और फटाफट मुझे बताइएगा कि आपका जवाब से लगा या नहीं लगा है बिल्कुल भाई आठ बजकर आई थिंक सो so, टाइम कितना हो गया भाई आठ बजकर मुझे टाइम बताइएगा एग्जैक्टली exactly? हाँ, आठ बजकर करीब करीब चार मिनट के आसपास का टाइम हो गया है तो फटाफट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन और वर्ड हम लोगों ने याद किया था इंजन से किससे याद किया था भाई इंजन से भारत में इंजन बनाने वाले लोग कैसे होते हैं निष्कपट होते हैं कैसे होते हैं निष्कपट तो फोर ऑप्शन राइट हियर फटाफट जवाब लगाइएगा जी बिल्कुल देखिएगा इसके लिए जो हमारा बैच है हमारी ऐप इंग्लिश जोन पर आ गया है मोर देन फाइव थाउजेंड वर्ड इसी तरीके से हम लोगों ने सिखा रखे हैं और वे जो ऐप का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है जाइएगा और एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा जी बिल्कुल इंजन बनाने वाले लोग कैसे होते हैं बिल्कुल सीधे साधे होते हैं निष्कपट होते हैं यानी कि वो लोग कैसे होते हैं वे लोग नाइव होते हैं क्या होते हैं नाइव होते हैं और नाइव वर्ड किससे याद गया था नाव से कि भाई नाव चलाने वाले, वाले लोग भी कैसे होते हैं सीधे साधे होते हैं तो फोर ऑप्शन पहला जी क्या है एस और ऐसे वर्ड को याद करने का तरीका भी क्या था ऐसे ऐसे लिखकर अपने टीचर से अपना इवेलुएशन करवा लो अपना मूल्यांकन करवा लो तो चलिएगा लेविश वर्ड हम लोगों ने याद किया था लव और विश से लव करने की है अगर आपकी विश तो आपको बनना पड़ेगा लेविश यानी कि खर्चीला यानी कि फ्रीटर फ्री में तार लगाना बड़ा ही महंगा काम है बड़ा ही खर्चीला काम है डियर का मतलब भी महंगा होता है क्या होता है और वो दिल्ली में आइसक्रीम का प्राइस काफी महंगा हो गया वो कौन सा था अच्छा घर जाते हैं ना स्पोकन इंग्लिश की किताब का ना जांच बना देते हैं ये ही नहीं था वाह गजब बताया आपने मुझे बहुत ही बढ़िया दो चार दो चार तुम्हारे जैसे अगर मुझे स्टूडेंट्स मिल जाए भाई नैया मेरे तो भाव सागर के पार है महंगा आ गया ना 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 के देखो मैम वर्ड हम लोगों ने मैम से याद किया था मैम ने उसे इतना मारा, इतना मारा मारा कि वो अपंग हो गया क्या हो गया अपंग हो 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 गया दिव्यांग हो गया गया डिसेबल दिव्यांग कैंडिड वर्ड हम लोगों ने कैंडी से याद किया था कैंडी का मतलब क्या होता है टॉफी टॉफी खाने वाले बच्चे बिल्कुल सीधे साधे होते हैं निष्कपट होते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब आ गया भाई डी बताइएगा किस किस का जवाब डी आ गया है और आप जिस भी स्कूल Uh, में पढ़ते हैं अपना और अपने स्कूल का नाम एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा मिलेगा ही नहीं अभी तो बस इतना ही ध्यान है ना घर जा करके लगाना है हम लोगों ने कैसे याद किया था पुरानी और आशा पुरानी आशा में ही जीवन जीना क्या भाई पुरानी आशा में ही जीवन जीना सेहत के लिए क्या है हानिकारक है क्या है हानिकारक है और हानिकारक को लेकर के हम लोगों ने वर्ड याद किया था कौन से वाला बेनफुल क्या भाई बेनफुल बन के कुछ फूल हमारे लिए क्या होते हैं हानिकारक होते हैं इसमें गजब है इले नहीं रहे किसी ने इसमें गजब है एक बार इन लोगों को ऑप्शन लगाने दो तो. ठीक है ना एक बार ऑप्शन लगाइएगा फटाफट बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया लगा लिया है आ, मुझे बाद में देख लेना ऑप्शन लगा लो एक बार आप लोगों ने जवाब लगा लिया होगा देखना रे ये मॉडरेटर है, देखना एक बार लगा लिया है गजब कैसा लगा मेरा मजाक <laughs> चलेगा। हानिकार के लिए एक बार वर्ड्स ढूंढते हैं एक्चुअली हानिकार के लिए इनमें से एक भी वर्ड नहीं है Uh, कई बार ये इंग्लिश डोन वाले मेरे ऐसे मजाक करवाते हैं सो प्लीज डोंट माइंड इट कमेंट को है. है काटो मत, काटो मत. आया था, था भाई और डेटरी वर्ड किससे याद किया था डॉक्टरी और मेंटल से अपनी डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में करवाना सेहत के लिए क्या है हानिकारक है क्या है हानिकारक को लेकर और क्या आया था बापू बापू ने कहना है बापू सेहत के लिए तो दो तो हानिकारक है ना हाँ यही सुनते करो पूरे दिन तुम भाई मीठी और अब नोक्शियस किससे याद किया था अब नक्सली हमारे समाज के लिए हानिकारक हो गए हैं और कुछ आएगा हाँ एक फैटल वर्ड नहीं था ओल के लिए सब के लिए क्या हो गई है हानिकारक हो गई है घातक हो गई है लोथल लोथल से याद करा था लोथल जो एक जगह है वो एक काफी घातक जगह है है ना जी लीतल अच्छा मेटियोराइट हम लोगों ने याद किया था मोटर से मोटर में बैठकर कौन आ रहा है उलक का पिंड आ रहा है क्या है रहे? उलका पिंड आ रहा इंजेनियस या गया इससे पहले याद किया था इंजन से इंजन बनाने वाले लोग सीधे साधे होते हैं नाइव होते हैं कैंडेड होते हैं यस और नो लर्क को हम लोगों ने याद किया था लड़के से लड़के लोग घात लगाकर बैठे हैं छुप कर बैठे हैं आपको मारने के लिए तो भाई घात लगाकर या छुप कर बैठना इसको लर्क ड्विंडल वर्ड हम लोगों ने याद किया था द्वी विन और दल द्वी का मतलब क्या होता है दो विन का मतलब क्या होता है जीतना और दल का मतलब पार्टी दो बार जीतने वाली पार्टी धीरे धीरे कमजोर हो गई है यानी कि प्रेयल हो गई है क्या हो गई है प्रेयल वर्ड किससे याद किया था भाई प्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय क्या हो जाएगा कमजोर हो जाएगा यानी कि गोंट हो जाएगा गोंट वर्ड किससे याद किया गाने वाली आंट है वो कैसी है कमजोर है वो नहीं याद किया था वैन में कमजोर लोगों को बैठाया जा रहा है एम्बुलेंस वै, वैन में टेमिड तो वो गया ना कमजोर कायर हो गया टेम के उम्मीदों ने तुम्हें कमजोर या कायर बना दिया इनर आपकी इनर का वेट बहुत ज्यादा है इसलिए ये क्या हो गई है कमजोर हो गई है क्या हो गई पेबल People, आपकी फी में बल नहीं था इंस्टीट्यूट की इसलिए आपका इंस्टीट्यूट क्या हो गया कमजोर हो गया और बताओ इफिट इनके शरीर पर फैट कम है इसलिए कमजोर है और कमजोर को लेकर के एक है प्राची <laughs> प्राची कुछ खा भी लिया कर तू ठीक है ना अभी प्राची को मैंने पिछली बार ही बोला प्राची कुछ खा भी लिया अगर कह रहे थे रिश्तेदारों के पचास हजार खा लिए अब पंचायत करते फिर रहे हैं है ना चलो ये ज्यादा ज्यादा इंस्टाग्राम पर रील में देखा गया तुम लोग है ना तो भाई इनमें से आ, हानिकार के लिए कोई भी नहीं था भाई ठीक है यहां पर मैंने कट मार दिया मैग्निफिशेंट एक अच्छा वर्ड है मैग्निफिशेंट वर्ड को हम लोगों ने याद किया था मंगनी और फैशन से क्या भाई मंगनी और फैशन से हम लोगों ने याद किया था हमारी मंगनी में जो लोग फैशन लगा कर आए थे हमारी मंगनी में जो लोग फैशन लगा कर आए थे वो कैसे दिख रहे थे भाई बड़े ही शानदार कैसे देख रहे थे शानदार बिल्कुल यानी कि शानदार को लेकर के और वर्ड्स कौन कौन से ग्रेंजर है भाई एक वर्ड क्या है ग्रेंजर वर्ड किससे याद किया था भाई ग्रैंड मदर ने जो रेंजर साइकिल आपको दी वो कैसे थी शानदार थी कैसे थी और एलिगेंट एक वर्ड था एलिगेंट वर्ड किससे याद किया अलग दिख रही थी जो एंट शादी में शादी में जो अंट अलग दिख रही थी वो कैसे थी शानदार थी और मोहबल मोवल वर्ड किससे मार्बल से जिसके घर में मार्बल लगा हो वो घर बड़ा शानदार दिखता है या ग्लोरियस लता मंगेशकर के गले का रस कैसा था शानदार था और शानदार को लेकर ऐसे तो हम लोग कह सकते हैं ग्रेट ग्लोरियस गोर्जियस सुपर सोसम कोल ना चलिए तो भाई आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया है और रिक्लूज हमारा पहला यहां पर क्या है ऑप्शन है रिक्लूज हम लोगों ने याद किया भाई 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 री री और और क्लोज क्लोज से का का मतलब क्या होता है भाई? और का मतलब क्या क्या होता होता है है दोबारा बंद करना तो भाई सन्यासी बनने के लिए उसने अपने आप को दोबारा से बंद कर लिया तो सन्यासी का मतलब हो गया भाई रिक्लूज क्या हो गया रिक्लूज ऑर्जुअस ऑर्जुअस वर्ड हम लोगों ने ओर दास से याद किया कि भाई ओर दास को काम पर लगाओ क्योंकि यह काम कैसा है कठिन है क्या है भाई कठिन कठिन का मतलब हो गया ऑर्ज्यूएस क्या हो गया भाई भाईस कठिन या कठोर की अगर बात करें तो कठोर और कठिन वैसे तो अलग अलग होता है कठोर को लेकर वर्ड है स्टर्न एक्स्ट्रा रन चुराने के लिए आपको कठोर बनना पड़े, पड़ेगा स्ट्राइव स्ट्राइव वर्ड किससे याद किया एक्स्ट्रा आयु प्राप्त करने के लिए आपको कठोर मेहनत करनी पड़ेगी डेली जिम जाना पड़ेगा जिमने की बात नहीं कर रहा हूं मैं जिम की बात कर रहा हूं डेंटी वर्ड है भाई हमने याद किया था दिन में आंटी दिन में आंटी बड़ी ही शानदार नजर आती है जोर से बोलो जय माता बोलना है हमने याद किया भाई हरे रंग से हरे रंग की साड़ी पहनकर सोनिया गांधी उग्र भाषण देती है बड़का वो बयानबाजी करती है भड़काने वाला जो होता है उग्र हैरेन बोला जाता है ये इसको हैरेन क्यों मत बोल देना हैरेन क्या हैरेन बढ़ाने वाला बोले तो एक फमेंट वर्ड भी था ना फेमस होने के लिए आंट आपको गलत काम करने के लिए उकसा रही है उकसाना नेगेटिव सेंस में होता है मोटिवेट करना पॉजिटिव सेंस में होता है तो यहां पर सी ऑप्शन इज द तो राइट आंसर चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन डंफाउंड और फाउंड वर्ड को हम लोगों ने याद किया था डैम को फांद कर क्या भाई डैम को एक ही छलांग में फांद कर क्या भाई डैम को एक ही छलांग में फांद कर आपने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया क्या कर दिया देवर अघास्ट एट देवर टेकन बैक बताइए और ऑप्शन राइट हियर जवाब भी लगा लो टाइम से बता दो हाँ इसको देख लो इसने कौन सा लगाया है, है ना आपके अपने जवाब नहीं है आपके पास अच्छा देखो हाँ बस यही प्रैक्टिस करना है, है ना हाँ वेटर वर्ड हम लोगों ने याद किया था भाई वेटर से है इस होटल के सारे वेटर बड़े ही अनुभवी हैं क्या है भाई अनु अन जिसको अनुभव ना हो पहले बात तो ये हो गया एक्सपीरियंस्ड है क्या है और जो नो सीखिया होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं नोविस और नोविस याद गया था नया वाइस प्रिंसिपल अभी नो सीखिया है या ग्रीन होता है उसको भी नो सीखिया बोला जाता है सैबेज वर्ड हम लोगों ने याद किया सब और स्टेज सब स्टेज जो वहां बने हुए हैं सबको तोड़ दो बिगाड़ दो तोड़ देना बिगाड़ देना कहलाता है यस yes और no? मुस्कुराए जा रहे हो तुम खराब कर देना को लेकर के वर्ड था क्या डिफॉर्म दो फॉर्म मैंने आपको दिए फिल करने के लिए दोनों के दोनों आपने क्या कर दिए खराब कर दिए और स्पॉइल भी बिगाड़ना होता है तो। वाह मैं बिगाड़ दो हाँ छोड़ देना छोड़ देना अलग होता है तो बिगड़वा रही है तो है ना पाइन पाइन वर्ड याद गया पीने से पीने में पानी उसको पीड़ा होती है पीड़ा जो होती है ना वो पाइन कहलाती है क्या कहलाती है एस्टन वर्ड हम लोगों ने याद किया ऐसा और टाउन ऐसा टाउन हमने लाइफ में कभी नहीं देखा था जिसको देखकर के हम लोग क्या हो गए आश्चर्यचकित हो गए व्यूअर टेकन बैक व्यूअर एगहास्ट एट दिस डी ऑप्शन आंसर राइट आंसर जवाब लगा लीजिएगा एंड आई हाफ सो कि आपका जवाब ठीक लग रहा है, है ना इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई ये तुम्हें ही पूछ रहा हूँ मैं इनसे इन तो कैसे पूछूंगा अभी तुम्हारा कहा चल रही है सब ठीक है सब ठीक लग नहीं रहा है तुम्हारे बीच मुझे तो देखिएगा वो क्या आपका ये जो बैच है स्पेशल ऑफर है भाई फोर नाइन का और ये जल्दी बंद होने वाला है अभी ठीक है तो जिसको ये बैच परचेज करना है जल्दी फटाफट करिएगा हमारी ऐप पर जाइएगा और भाई ये बेसिक कोर्स है हमारा वो क्या आपका चलेगा इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन है वो आ गया है और जो वर्ड है वो है सेग्रीगेट क्या है भाई सेग्रीगेट वर्ड को याद किया था हम लोगों ने सागर और गेट से कि भाई सागर में गेट लगाकर हमने इसको नदी से क्या कर दिया भाई अलग कर दिया है क्या कर दिया है अलग कर दिया है अलग करना सेग्रीगेट कहलाता है

वैसे रेडिकेट जड़ से उखाड़ना होता है असंडर असंडर वर्ड किससे याद किया था अब सुंदर लोगों को यहां से अलग किया जा रहा है तो अलग करना जो कहलाता है वो क्या क्या कहलाता है भाई शन इरेडिकेट असंडर या सेग्रीगेट तो चार ऑप्शंस हैं जवाब लगा लीजिए लगा लिया पढ़ेगी तभी तो पता लगेगा पढ़ती तो है ना पढ़ती ये।, ये सोच रही है, हर बार मजाक करूंगा मैं हाँ जोर से बोल माइक माइक दे दू माइक में बोल ले चला चला हेड को हम लोगों ने याद किया था हेड से अपने हेड को ध्यान देने में लगाओ अपने हेड को ध्यान देने में लगाओ ध्यान देना बोले तो हीड कहलाता है क्या कहलाता है स्कॉन वर्ड अगर कोई बिहारी भाई बोलेगा तो कैसे बोलेगा स्कॉर्न यानी कि इस कारण से याद किया था वह हमारी बात नहीं मानता है इस कारण से हमने उसे अपने से सारे संबंध समाप्त कर लिए खत्म कर लिए तोड़ लिए हैं अलग कर दिया उसको अकॉर्डिंग टू मी इनमें से बी ऑप्शन right है भाई, हम लोगों ने और से याद किया था बीस्ट बोले तो पशु और जो व्यवहार है वो भी पशु जैसा हो गया यानी कि एनिमल लाइक -like हो गया है कैसा हो गया भाई एनिमल लाइक हो गया है बिल्कुल स्टेयर स्टार से याद किया था बॉलीवुड के सो कोल्ड स्टार जब पब्लिक में घूमते हैं तो लोग उन्हें गुस्से से घूरते हैं गुस्से से देखना हाँ हाँ ठीक है ये टाइप करने वाले कौन है अरे वाजियो ये आएगा ना यहां पर और कमेंट में भी मतलब बता नहीं रहे हो तुम लोग एस ए जी आर ई एस ई जी आर ई जी ए टी यही तो लिखा है मैंने एस ई जी आर ई जी ए नहीं कोई बता दे इस लड़की ने ध्यान है ना अच्छा अच्छा ये दिन दूर से दिखता नहीं है ना तुझे अच्छा अच्छा भाई गुस्से से देखना जो होता है वो स्टेयर कहलाता है ग्लेयर भी गुस्से से देखना होता है भाई है ना गेज का मतलब घूरना होता है ठीक तो है और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है एट थी आ गया एट थी आ गया ना, ना? सेवेंथ रह गया ना बटरस बटरस वर्ड हम लोगों ने बटर से याद किया था बटर बोले तो मक्खन है ना बटर खाकर वह अपनी सेहत को इंप्रूव कर रहा है सुधार रहा है और right here, <laughs> कि आप राइट राइटी फटाफट जवाब लगाइएगा जवाब लगा लिया होगा मैसमराइज वर्ड हम लोगों ने याद किया था मिसेज मैरी क्या मिसेज मैरी मैरी नाम की कोई मिसेज है ठीक है ना <laughs> मिसेस मैरी उन्हें रोज सम्मोहित करती है सम्मोहित करना टू अट्रैक्ट मैसमराइज कहलाता है भाई ठीक है रेस्टिट्यूट रस्सी और रस्सी और टूट से याद किया था जो रस्सी आपने हमें दी थी वो टूट गई है जो रस्सी आपने हमें दी थी वो टूट गया इसलिए हमें हर्जाना दीजिए हर्जाना जो होता है उसको रेस्टिट्यूट बोला जाता है क्या बोला जाता है रेस्टिट्यूट बोला जाता है देखो एक हर जाना होता है अब जैसे ये लाइफ खराब हो जाए तो वो हर जाना थोड़ी मांगेगा वो एल्मनी मांगेगा क्या मांगेगा एलिमनी नहीं बोला जाता है ए एल आई एम ओ एन वाई भाई है? ये एलमनी वर्ड याद करने का तरीका था ओल और मुनी ओल का मतलब सब सब आदमी जो मुनि बन गए उनको गुजारा बता दिया जाना चाहिए है ना लाइव कौन से वाली आर ये भाई साहब ये कौन स्पेलिंग लिख रहे हैं रेस्टिट्यूट अरे टी लगा रखा मैंने दो दो लगा दिए भाई रेस्टिट्यूट तो हरजाना जो होता है वो हमारा रेस्टिट्यूट कहलाता है पीक पीक वर्ड हमने पीकर से याद किया था भाई पीकर जब भी वह घर आता है हमारे ऊपर बहुत ज्यादा खिंचता है हमसे बहुत ज्यादा चिड़ता है पीक वर्ड हम लोगों ने हनी से याद किया था हनी खाकर वह अपनी सेहत को इंप्रूव कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू मी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर आप बताइएगा जो आप बिल्कुल सही है जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोना बी राइट हियर Stimulate. अगर कोई बिहारी पा बोलेगा तो stimulate बोलेगा ना इस टाइम इस टाइम फिर से लेट ना आने के लिए इस टाइम फिर से लेट ना आने के लिए वह मुझे प्रेरित कर रहा है मुझे मोटिवेट कर रहा है ठीक है भाई क्या मोटिवेट कर रहे और ऑप्शन जवाब लगा लीजिएगा मोटिवेट किससे याद गया था मोटिवेट किससे याद गया था मोटी और वेट से याद किया था ना वह मोटी अपना वेट कम करने के लिए अपने आप को प्रेरित कर रही है अच्छा ये याद करने का तरीका है भाई कोई आ, फेल मत करना स्पर से नहीं शुरू करूंगा स्ट्राइव से शुरू करूंगा एक्स्ट्रा आई ये अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने कि भाई एक्स्ट्रा आई या आयु प्राप्त करने के लिए आपको कठोर मेहनत करनी पड़ेगी है ना हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको जिम जाना पड़ेगा पर्वर्ट पर्वत से याद किया था हिमालय पर्वत से जब से वह होकर आया है तब से वह पथ भ्रष्ट हो गया है सामाजिक मूल्यों को उसने बिल्कुल जीरो कर दिया है और वो बड़े बेकार बेकार काम करना उसने शुरू कर दिया है अनैतिक हो गया है अनैतिक बोले तो सीमी हो गया है सीमी वर्ड किससे याद करा था सीम में खराब सिम फेंकना एक अनैतिक कार्य है यानी कि प्रोफेन यानी कि पूरे फैन जिसने मंदिर के चुराए हैं उसने एक अनैतिक काम किया है लाइसेंशस बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना एक अनैतिक काम है स्ट्राइडेंट वर्ड हमने याद किया स्त्री और दांत से वह स्त्री जिसके दांत लंबे हैं वह है कर्कश है क्या है भाई कर्कश है मतलब ऐसी वाणी है उसकी ऐसी आवाज है उसकी आवाज को सुनकर के ऐसा मन करता है मतलब जी पूछिए मत है ना स्पर वर्ड हमने इस पर इस समस्या के ऊपर इस समस्या के ऊपर पार पाने के लिए वह हमें प्रेरित कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू मी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर बड़ा फट देखिएगा ऑप्शन किस किसने लगाया है लेगा के साथ में हम लोग चलते हैं जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन गोना राइट ऑन योर स्क्रीन लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर दो है ना uh, जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप स्टेटस पर दो चार पांच मिनट के लिए लगा ना एक बार। Aglo. Aglo किसे याद किया था एंग्लो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग क्या भाई एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग चमकदार होते हैं कैसे होते हैं चमकदार होते हैं वो चमकते रहते हैं तो का मतलब क्या हुआ? चमकदार चमकदार हुआ ना ठीक है तो भाई चार ऑप्शन से देखिएगा डी से शुरू करते हैं मनीष, मैनिश।, मैनिश को हमने मनीष से याद किया था मनीष नाम का जो ये लड़का है इसका व्यवहार मर्दाना है कैसा है मर्दाना जो मर्दाना होता है ना मर्द के जैसा होता है मर्दाना या मर्दाना वो मनीष कहलाते हैं और अगर मनीष नाम का लड़का मर्दाना होता है मनीषा जो होती है वो हाँ ठीक है ठीक है मैडम का नाम है ज्यादा जोर से नहीं बोलने का रिपोर्ट बोला जाता है रेपोर वर्ड रिपोर्ट से हमने याद किया था रिपोर्ट मिली है कि भारत के पाकिस्तान के साथ में संबंध मधुर हो रहे हैं तो मधुर संबंध जो होते हैं वो रैपोर ब्लेज वर्ड ब्लेजर से याद किया था लड़के लोग ब्लेजर डालने के बाद में है ना भाई बड़े चमकदार लगते हैं बड़े चमकते हैं वो तो अकॉर्डिंग टू सेंस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर एग्जाम एग्जाम से याद किया था जो एग्जाम होती है वो एक क्या है सप्ताह प्रमाणित सुक्ति है सुख्ती बोले तो प्रोब है ठीक है चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही आ गया तो इसी के साथ में हम लोग चल पड़ते हैं जी अपने आज के लास्ट वर्ड के लिए लास्ट, लास्ट क्वेश्चन के लिए और हमारा वर्ड आ चुका है ट्रुवंट वर्ड हम लोगों ने याद किया था ट्रू और आंट से यह है ट्रू है अंट। यह है ट्रू है आंटी जी कि आपका जो लड़का है वो कैसा है कैसा है अब नहीं कामचोर है आ, कामचोर कामचोर का मतलब क्या होता है ट्रुव क्या होता है चोर। और इसके लिए फोर ऑप्शंस आर गिवन राइट हियर फटाफट जवाब लगा लीजिएगा बताइएगा बाब बाबर किसे याद गया था बाबर से बाबर अपने विरोधियों के ऊपर कड़े शब्दों से प्रहार करता है कड़े शब्दों से प्रहार करना जो वो टोन मारे जाते हैं ना गांव में अपनी टिपिकल बुढ़िया होती है रेंट रेंट वर्ड रेंट से याद किया था डे रेंट की आते ही लड़के लोग क्या करते हैं भाई चिल्ली मत बा, चिल्ली मारते हैं चिल्लाते हैं हाँ कंपोर्ट वर्ड हम हम लोगों ने कम और एयरपोर्ट से याद किया था कम करो जब आप एयरपोर्ट पर क्या भाई कम करो जब आप एयरपोर्ट पर तो व्यवहार सही तरीके से करना सही तरीके से व्यवहार करना कंपोर्ट बोला जाता है भाई शर्कर को याद किया था शक्कर से शक्कर कम मात्रा में खाने वाले लोग कामचोर होते हैं कैसे होते हैं भाई कामचोर होते हैं यानी कि अकॉर्डिंग टू मी ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया आज किसी का बी जवाब भी लगाया गया तुम लोगों ने इंग्लिश सुन रहे हो तो भाई शक्कर कम मात्रा में नहीं खानी है अच्छी भारी भरकम मात्रा में खानी है हाँ शुगर कम खाया करो तो एक बार अपना अपना स्कोर है वो लिख भेजिएगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा

ऐप है वो डाउनलोड कर लेनी है राइट right? और जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है गेटिंग पॉइंट? तो मोर देन फाइव थाउजेंड विल बी ऑन योर टिप्स। जो वो ये बड़ी जरूरी है भी के के लिए, और जो आपके एग्जाम्स होते हैं वो चाहे आप फर्स्ट टू ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं या बाद में कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वेल इट वॉलोज से टाइम ऑल द सेम की On Monday for the timing, all the same. May luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. Take care. Bye bye.